वाले हम सबको मिलने मिलकर अमल की तौफीक और इसके बाद आखिर में मैं अर्ज करूं कि चौधरी सरदार मोहम्मद मरहूम जो कि इस दरबार आलिया के बहुत बड़े खादिम थे और सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के आशिक और आशिक रसूल की के बहुत करीब जिनकी कब्र भी यही हुजूर के कदमों में है, आपने एक वसीयत की थी जिस पर अमल उनकी औलाद ने किया है सुभान अल्लाह, जिससे कि हम सबको खुशी है सुभान अल्लाह। सरदार अमर साहब ने अपनी लाहौर की जायदाद जो कि करोड़ों रुपए में है बिलालगंज में, जिसको कि अब्दुल्ला मंजिल का नाम अब्दुल्ला मंजिल के नाम से एक वहां बिल्डिंग है जो कम अब 30-35 कमरों पर मुश्तमिल है और एक वसी और इस बिल्डिंग है और अब्दुल्ला मंजिल का नाम रखा था कि उसमें एक कमरा ऐसा है हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह जब एक दफा लाहौर तशरीफ ले गए तो आपने उस कमरे में आराम फरमाया। अगर आज आप जाए अब्दुल्ला मंजिल पर चौधरी सरदार साहब मरहूम ने वो कमरा पूरी जिंदगी वैसे ही रखा और जिसका जिस पर हजूर ने आराम फरमाया था वो उसी कमरे में आज भी मौजूद है। इतने साल आधी सदी गुजर जाने के बावजूद और वो कमरा वैसा का वैसा उन्हें रखा हुआ है अब्दुल्ला मंजिल में और उसके बाद उस कमरे में कोई सोया नहीं, किसी ने आराम नहीं किया। चौधरी सरदार साहब ने वो कमरा सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस कर दिया था, जिसने नमाज पढ़नी है इस कमरे में आके पढ़े, जिसने कुरान की तिलावत करनी है इस कमरे में आके करे, जिसने दुरूद व सलाम पढ़ना है दुरूद शरीफ पढ़ना है सलातो सलाम पढ़ना है इस कमरे में आकर पढ़े और उसके बाद उस कमरे में हमेशा यही काम होता है। ये होता है पीर का अदब। तो उन्होंने वसीयत की थी कि ये जो अब्दुल्ला मंजिल है इस पर मेरी औलाद का कोई हक नहीं है। ये सारी की सारी उन्होंने वक्त की थी अपनी जिंदगी में हिस्बो रहमान के नाम। उनकी औलाद या उनके बेटे मौजूद हैं, ये नईम साहब और जाहिर साहब। उन्होंने कल रात को मुझे वो हिस्ट्री उसकी दी है और मुझे उसका उन्होंने मुतवली बनाया है उस इमारत का और साथ ये भी वसीयत है कि इसमें इमारत में सिर्फ दीन का काम होगा और इसको फरोग नहीं किया जा सकेगा। और फिर मुझे ये भी इख्तियार दिया है कि मैं अपने बाद किसी और को उस इमारत का मुतवली बना सकता हूं बशर्ते कि जिसको भी मुतवली बनाऊं वो हुजूर सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद कि कोई और आदमी किसी को मुतवली नहीं बनाया जा सकता उसके बाद आप किसको भी बनाए लेकिन जिसको भी बनाए अपने बाद उस बिल्डिंग का मुतवली तो वो हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से है। अब मैं ये इनाम करना चाहता हूं यहां उन्होंने जो इमारत हमें दी है उस पर अब काफी कुछ काम होने वाला है थोड़ा बहुत, क्योंकि इमारत को एक तालीमी इदारे के रूप में ढालने के लिए उसमें तब्दीलियां भी करनी पड़ेगी, कोई नई दीवारें भी इसमें करानी पड़ेगी, कोई नई दीवारें बनानी पड़ेगी, कोई पता है एक घर होगा उसको अगर स्कूल की तरफ पर ले जाया जाए उसमें तब्दीली होती है और वो काफी पुराना है उस पर खर्चा है हमारा काफी होगा उसके तब्दील करने में तजयन करने में, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि वहां जामिया हिज्ब रहमान के नाम से इदारा बनाया जाए। जामिया हिज्ब रहमान के नाम से इदारा बनाया जाएगा जिससे तालीम का सिलसिला मन करीब शुरू कर देंगे उसके अंदर और इंशाअल्लाह चंद सालों के अंदर
अगर हमारी नीयतें सही रही तो लाहौर के बड़े बड़े तालीमी इदार के बराबर क्योंकि लाहौर एक मरकज है पंजाब का और पाकिस्तान का बल्कि मरकज है लाहौर पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहा जाता है। हमें इस चीज की कमी थी यहाँ पे कि हमारा इदारा माशाल्लाह बहुत अजीब आदारा है लेकिन इतिहास में अगर यही इदारा लाहौर में होता तो ये करोड़ों रुपए महीने के कमा सकता था। हम इसी तर्ज का ये हिज्बुर रहमान इस्लामिक अकेडमी के नाम से चलेगी और वो चलेगा इदारा जामिया हिज्बुर रहमान के नाम और उसकी लोकेशन भी बहुत जबरदस्त है हजरत दाता अलवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाजार के बिल्कुल साथ है जामिया हिज्बुर रहमान के नाम से इंशाल्लाह वो इदारा अलकरीब उसका इफ्तिताह करेंगे। हाँ उसमें अपना मरकज बनाकर जो हमें तंजीम हिज्बुर रहमान के लिए भी बहुत मददगार होगा और इस अकेडमी के लिए भी बहुत मददगार मामिल साबित होगा वो इदारा। लाहौर में बड़े बड़े उस्तादों की भी कमी इतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी यहाँ आएगी और जो कुछ हमने यहाँ से सीखा अपनी गलतियों से उसको वहां दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी सरदार साहब की वसीयत के मुताबिक वहां जामिया हिज्बुर रहमान कायम होगा और इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर ही कायम होगा और चंद महीनों के अंदर ही इंशाल्लाह वहां दर्से कुरान और दर्से हदीस का आगाज कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। बाकी अलहमदुल्ला।